छोड़ दो इसे। नहीं 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 छोड़िए। गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से बबल बन गया, ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है। अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही देखा, प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चटपटा लगेगा? छोटे तू खाने के लिए भी लाया क्या? अभी मेरा खाने का मन ना है, तू पहले ये बता कि जो मैंने देखा वो। भैया चटपटा नहीं अटपटा। देखिए भैया, आप उसमें एक एहसान कीजिए, अगले कुछ मिनटों में मैं जो कुछ बोलूंगा ना उसे ध्यान से सुन लेना। हाँ, चीजें दोहराने की ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। हाँ छोटे, मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने कान खोल के सुनूंगा। हाँ भैया, मैं अब इंसान नहीं रहा। की बात कर रहा है छोटे, तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चौकता तेरा वैसा का वैसा, तेरी कद काटी वैसे की वैसी। अरे तू 100% इंसान है छोटे। नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। दरअसल भैया, मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। अरे ये कैसे मुमकिन है, एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे बन सकता है? मेरी टांग खींच रहा है ना? नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। और फिर आपने खुद अपनी आंखों से मुझे नाग से इंसान बनते हुए देखा ना? भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, बस हो गया। ये सब कब हुआ? भैया जब वो सपेरा हमारे घर में आया था ना, तो मैं एक नाग की तरह बर्ताव कर रहा था, एक नाग की तरह रेंग रहा था। भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें इच्छा को बचाना है, उसे छुड़ाना है वहां से। चलिए मेरे साथ। मतलब तू वाकई में छोटे? ना छोटे, मुझे यकीन ना हो रहा, एक इंसान रातों रात कैसे? पर छोटे तू कह रहा है तो झूठ भी ना कह रहा होगा। मैं तो तेरा भाई हूं, कहीं मैं भी तो इच्छाधारी नाग नहीं हूं? और मुझे अभी अभी तक पता ना चला हो। छोटे एक काम कर, तू बीन बजा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नाग हूं या नहीं। भैया प्लीज, मौके की नजाकत को समझो, इच्छा उन खूंखार डाकुओं के बीच फंसी, हमें उसे बचाना है, प्लीज चलिए अभी। लेकिन छोटे, लेकिन कुछ नहीं भैया, इच्छा की जान दुनिया की बाकी सभी चीजों से ज्यादा कीमती है, चलिए। हे शिव जी, हमारे बच्चों पर रहम करना, इच्छा बबल और प्रबल को लाने गई थी, अभी तक ना आई, न कोई फोन न कोई खबर, मने तो घनी चिंता हो रही, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। गलती हो गई जो छोरी को हमने अकेले भेज दिया, सबल को भी साथ में भेजना चाहिए था। हेलो, अबे अपनी हेलो अपने पास रख। अरे पहले लौटा तो दो। हैं? अरे मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ हेलो तुम्हारे कान के अंदर घुसा, अब जब तक कान से बाहर निकाल के मुझे वापस नहीं दोगे तब तक मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। बोल गया, हमने तेरे भाई को उठाया है। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे पे, चिल्ला क्यों रहे हो आप? हेलो डाकू भैया आप गुस्सा मत करिए, इन्हें मतलब तबल भैया को भूलने की आदत है। तो थोड़ा बहुत भूलने की आदत मुझ में भी है, भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे मांगे थे, भूल जाता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नकली नोट थमाए, और भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा रखने का वादा किया था। डाकू भैया आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, जो कहना आप मुझसे कहिए। ना मुझे दे, मैं ठीक करती हूँ उसे। हेलो डाकू बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना क्या बात है। ओहो
अब दादी मुझसे कहानी सुनेंगी। एक डेढ़ सयानी बुढ़िया थी। बुढ़िया होगी इसकी माँ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? उसने अपनी बहू के हाथों असली नोटों की जगह नकली नोट भिजवाए। नहीं नहीं बेटा, दरअसल बात ए, सुन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बुढ़िया की बहू तो सयानी थी, लेकिन लुटेरा उससे 100 गुना सयाना। उसने प्रबल को तो छोड़ दिया, लेकिन बहू अटक गई। अब वो डाकुओं के कब्जे में है। अब दिया क्या करेगी? अपनी बहू को छुड़ाने के लिए असली नोट भेजेगी या बहू को? नहीं नहीं डॉक्टर बेटा, इच्छा को कुछ मत करना। हेलो डॉक्टर बेटा। अरे नास पीटे ने फोन रख दिया। हे शिव जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बता छोरी, कुछ खाएगी पिएगी? इतना लंबा चल के आई है, तुझे भूख लगी होगी। हे लाल बादशाह, जा जाकर प्लास्टिक के चावल और रबड़ की रोटियां ले आ, और एकदम टेस्टी। आंखें छोटी कर छोरी, तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी आंखें कर ले, पर मैं इनमें फिट नहीं हो सकता। तूने मुझे नकली नोट दिए ना, मैं तुझे नकली दाल चावल खिलाऊंगा। और हाँ, तेरे वो पागल खाने फोन किया था, तेरे घर पर बुढ़िया से बात हुई मेरी, और उसे मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इस बार कोई भी झांसा देने की कोशिश की तो। लगता है इस गोडाउन में कबूतर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, जिसे भी देखो उड़ के चला आता है। पकड़ लो इसे। ए, रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं यह इच्छा को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या टूरिस्ट बनकर हमारे अड्डे की सैर करने आया है? ए! देख क्या रहे हो, पकड़ के बांध दो इसे। मैंने कहा ना मत पकड़ो मुझे। अरे मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूं। अबे छोड़। अबे दिल से थैंक यू, लंबा वाला थैंक यू, भारी वाला थैंक यू। थैंक यू छोड़। अचानक क्या हो गया? डाकू को गले लग रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। लगता है इनके फोन पर चोट लग गई है, गहरा असर हुआ है। वाह छोरे वाह, मुझे तो लगता था इस दुनिया का पहला और आखिरी नौटंकी बाज सिर्फ मैं ही हूँ। पर तू, तू तो मेरा भी बाप निकला। अरे नहीं नहीं सर, आप भी जानते हैं आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो कब से अपनी दी से छुटकारा पाना चाहता था, कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ, और आज आपने मेरा वो काम भी कर दिया। तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? बेवकूफ आप? इसकी पेन कहाँ गए? एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। पर आपको क्या पता कि शादीशुदा मर्द का दर्द क्या होता है? अरे भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है ना, बीवी की झिकझिक से परेशान हो गया हूं मैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा समझते हो ना? हाँ। अरे बीविया आपसे भी बड़ी लुटेरी होती है।
अरे शादी के बाद पति के सुख चैन नींद पर ऐसे डाका डालती है कि बेचारा पति गुलाम बन के रह जाता है, गुलाम। अब एक काम करना, इसको पकड़ के रखना और छोड़ना मत, हा? और देखना कोई रस्सी ढीली ना हो जाए। देखो देखो हाथ इसे, देखो बबल जी, आप कैसे? हीरो के बाद कॉमेडियन भी आ गया। अबे ये कोई पिक्चर चल रही है क्या, जो हर कोई विलन के अड्डे पर बारी बारी से एंट्री कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नाग देवता, गलती होगी, माफ कर दीजिए, आज के बाद कभी कभी गलती नहीं करूंगा। सच में माफ कर दीजिए नाग देवता, माफ माफ माफ। वाकू तू भी ना, जब भी तेरी जरूरत होती तू पहुंचने में देर कर देता है। है तू कर भी कह सकता था, जब सर पर चार चार चील मंडरा रहे हो तो पहले अपनी जान बचाऊंगा तभी इच्छा की जान बचा पाऊंगा ना। जहां तक मैंने देखा था डाकुओं की गाड़ी इसी तरफ गई थी, हो ना उनका अड्डा भी इसी तरफ ही है। अरे ये तीनों, अरे भैया आपने बैग से असली नोट तो निकाल लिए ना? अरे हाथ पटे, ये देख, लगता छुट गई डाकुओं के चंगुल से। इच्छा के साथ दो दो पहलवान है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। चल बेटा वाकू निकल ले। एक मिनट, अब प्रबल भैया को भी पता चल गया है कि आप इच्छाधारी नाग? हाँ, मैंने खुद ही ने सब कुछ बताया, मतलब मुझे बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रबल भैया आप घर वालों को मत बताइएगा। क्यों? इच्छा इतनी बड़ी बात मैं घर वालों से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं होगी बब्बल जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन पता नहीं ये सुनने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं नहीं अच्छा, वो जो भी हो लेकिन कभी ना कभी ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं बब्बल जी, आप बस मुझे 24 घंटे दीजिए, उसके बाद आपको। अच्छा, पर अगर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? अच्छा, अरे छोटे इतने दिन राज राज रख लिया, 24 घंटे और सही, क्या फर्क पड़ता है? भैया मुझे भी ये राज हाल ही में पता चला है। अरे ठीक है, इच्छा जो कह रही है तो रह लेना। थैंक यू भैया, अब आप भी इस राज को राज ही रहने देना। नहीं इच्छा, मुझसे ये उम्मीद मत कर। मैं तो राज को राज ही रहने दूंगा। चलो। नहीं नहीं साहूकार जी, सिर्फ गहने ही नहीं घर भी बेचना है, मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे तुम तो दाम बताओ,
अरे फोन रख दो दादी, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि तुम तीनों के तीनों वापस आ गए। प्रबल, उन डॉक्टरों ने तुझे बहुत मारा होगा ना, कहीं तुझे कोई चोट? अरे नाना दादी, उन्होंने तो मुझे हाथ भी ना लगाया, वो तो बस आप लोगों को डराने के लिए फालतू की आवाजें निकाल देते हो। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान निकली जा रही थी, शिव जी की कृपा है आप लोग सही सलामत आ गए। तुम तीनों एक के बाद एक वहां फंस गए थे, हमें कितनी चिंता हो रही थी पता है। अरे अम्मा जी तो अपना पूरा घर बार सब कुछ बेच के आशीर्वाद में जो दम है वो उन पापियों में कहा। आपके बच्चे सभी मुश्किलों को हरा कर वापस आ गए। मुझे पता था मेरे बच्चे बहुत बहादुर है, पहलवान खानदान की दी हुई शिक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। डाकुओं के चंगुल से बचना बहुत हिम्मत का काम। अब चलो, तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। हाँ दादी, लेकिन मुझे बाहर जाना है, एक काम है। छोरी बाद में चली जाना। नहीं दादी, मुझे अभी जाना होगा, मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। डोल। अरे मैं नाग थोड़ी ना हूँ जो डोलूंगा। मैंने कहा बोल बेटा बोल। यहाँ ना आ, कमरे में चलते। छोरा तुझे भूख लगी होगी, तू कुछ खा ले फिर जाके आराम कर ले। नहीं दादी, भूख तो नहीं लगी है, बस थोड़ा सा दूध दे दो। दूध? दूध तो तुझे पसंद नहीं है फिर? हाँ दादी, बस आज दूध पीने की इच्छा हो रही। अच्छा ममता, जा बबल के लिए एक ग्लास दूध ले आ। जी दादी जी। अरे बेटा क्या बात है, क्या है? अरे अम्मा, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है मुझे। क्या? ऐसे ना, पहले तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू उसका सही सही जवाब देगी। हाय हाय, ऐसे क्या पूछने वाला है? अरे ना, ना, पहले सर पे हाथ रख के कसम खा। अच्छा बाबा, कसम दी, अब बोल। ठीक है, अब ये बता कि मेरा जन्म कैसे हुआ था? इंसानी बच्चों की तरह तेरी कोख से पैदा हुआ था या फिर किसी अंडे से निकला था? डाकुओं ने तेरे सर पे कुछ मारा तो नहीं ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले बताओ अम्मा, मुर्गी के अंडे से जैसे बच्चा निकलता मैं वैसे तो पैदा नहीं हुआ ना? नहीं मेरी लाल, तूने अंडे से नहीं, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। चलो ठीक है, और याद कर बबल, वो भी तेरी कोख से पैदा हुआ है या किसी अंडे से? अक्कल के अंधे, कभी तूने इंसान के बच्चे को अंडे में से निकलते हुए देखा है क्या? अरे बेटा देख, तू है सबल बबल, तुम तीनों ने मेरी कोख से ही जन्म लिया है, समझे? इसका मतलब है बबल इंसान के रूप में पैदा हुआ है और अब इंसान से इच्छाधारी नाग बन गया है। फिर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या चाहता है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं तब मानेगा तू? अरे नाना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। अम्मा है आता। जरूर डाकू ने इसके सर पे कुछ मारा है तभी ये इस तरह की हरकत है। हे नागोमी देव, क्षमा क्षमा नागोमी देव, मैं आपके सामने फन टेकती हूँ, अपनी पूछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी पूजा में आने की, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे दया चाहती हूँ, इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ नागोमी देव, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सब करूंगी, आप बस रास्ता दिखाइए, बस इस गलती का निवारण कैसे करना है ये बता दीजिए।